أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فغدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تمام عزاداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے آپ حضرات جو ہے فرش اعضا پر آنے کی زحمت گوارا فرمائیں اور آج کی ایک اعلان حضرات کے سامنے پیش کر دوں کہ آج کی یہ مجلس اعضا ابھی ریکارڈ کی جا رہی ہے انشاءاللہ کل اسی ٹائم پر لائیو ریلیز بھی کی جائے گی اور چینل کا نام ہے بنارس کے عزادار آپ حضرات یوٹیوب پر دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ مجلس آزاد جو ہے عزاداری بڑا گاؤں کے ساتھ ساتھ بنارس کے عزادار پر بھی چل رہی ہے تو لہٰذا آج یہ ریکارڈ ہوگی انشاءاللہ کل یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی جائے گی خیر اگر میری آواز تمام بستی کے کانوں تک پہنچ گئی ہے تو لہٰذا وہ تشریف لائیں اس لیے کہ ہمارے ہی کیا بولتے ہیں ہمارے شہر کے ایک بڑے نام جس زمانے میں وہ شہر الہ آباد انوار العلوم میں آئے تھے مجلس پڑھنے جناب سیدہ کے عنوان سے اس جگہ پر میں بچپنے کا عالم تھا تو وہاں پر ایک اٹھاوٹتی تھی ان کو جب پتہ چلا کہ غازی پور کا بھی ایک لڑکا یہاں پڑھتا ہے تو خیر جہاں اگر پردیس میں کوئی اپنا مل جاتا ہے نا تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا تھا جب انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا تو مجھے بڑا پسند آیا تھا تو اس زمانے میں ان سے اجازت لی تھی وہ شعر پڑھنے کے لیے تو خیر وہ شعر پڑھ کر جو ہے انہیں کے فرزند کو دعوت دیتا ہوں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد جی آپ کے والد صاحب نے اٹھاوٹی دی ہے پڑھنے کی اس لیے ہر جگہ پڑھتا ہوں اپنی نظامتوں میں اس کا استعمال کرتا ہوں کہ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی اس کو حرم معصومہ میں بھی پڑھایا میں نے کہ وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے وہ قوم ظلم سے آنکھیں ملانا جانتی ہے جو غم میں شاہ کے آنسو بہانا جانتی ہے ہنر یہ بخشا ہے بے شیر کے تبسم نے غموں میں قوم میری مسکرانا جانتی ہے
हुनर ये बख्शा है बेशीर के तबस्सुम ने, गमों में कौम मेरी मुस्कुराना जानती है। सबका अकीदा है कि बदन से निकली तो फिर करबला ही जाएगी, हमारी रूह भी अपना ठिकाना जानती है। बदन से निकली तो फिर करबला ही जाएगी, हमारी रूह भी अपना ठिकाना जानती है। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जनाब एलिया गाजीपुरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि सामईन के सामने आए और बारगाह मासूम में मंजूम नजराने अकीदत पेश करें। हमारे रूबरू होने जा रहे हैं जनाब एलिया गाजीपुरी साहब, इनके इस्तकबाल के लिए बआवाज़ बुलंद नारे सलावात। एक मरतबा और मिलजुल के आप हजार सलवात थोड़ा थोड़ा सलवात पढ़ के आप हजरात करीब आते रहें। चार मिसरे समाज फरमाने के मुश्किलें हटती गईं और रास्ते आसा हुए, मुश्किलें हटती गईं और रास्ते आसा हुए। या अली कहता रहा मैं हर कदम हर गाम पर, मुश्किलें हटती गईं और रास्ते आसा हुए। या अली कहता रहा मैं हर कदम हर गाम पर। तीसरा चौथा मिसरा बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाने, अगर कोई नई बात हो गई होगी तो अपनी दुआओं से नवाजेंगे कि मुश्किलें हटती गईं और रास्ते आसा हुए। या अली कहता रहा मैं हर कदम हर गाम पर, तो भर रहे हैं झोलियाँ अब भी ज़माने में फ़कीर। या अली के नाम पर या फिर खुदा के नाम पर, भर रहे हैं झोलियाँ अब भी ज़माने में फ़कीर, भर रहे हैं झोलियाँ अब भी ज़माने में फ़कीर। या अली के नाम पर या फिर खुदा के नाम पर, या अली के नाम पर या फिर खुदा के नाम पर। और एक मतला और दो शेर मुलादा फरमा लें कि इसलिए जारी है कुरान की तिलावत आज भी, इसलिए जारी है कुरान की तिलावत आज भी। है जहां में वारिस कुरान इतरत आज भी, है जहां में वारिस कुरान इतरत आज भी। तो कोई हमको इस ज़माने से मिटा सकता नहीं, कोई हमको इस ज़माने से मिटा सकता नहीं। कर रहे हैं गैब से मौला हिफाजत आज भी, कोई हमको इस ज़माने से मिटा सकता नहीं, कोई हमको इस ज़माने से मिटा सकता नहीं। कर रहे हैं गैब से मौला हिफाजत आज भी। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमा लें, कर रहे हैं गैब से मौला हिफाजत आज भी। तो कारिये कुरान ऐसा फिरना देखा दहर ने, कारिये कुरान ऐसा फिरना देखा दहर ने। याद है वो नोके नैजा से तिलावत आज भी, कारिये कुरान ऐसा फिरना देखा दहर ने, कारिये कुरान ऐसा फिरना देखा दहर ने। कारिये कुरान ऐसा फिरना देखा दहर ने, कारिये कुरान ऐसा फिरना देखा दहर ने। याद है वो नोके नैजा से तिलावत आज भी, याद है वो नोके नैजा से तिलावत आज भी। और आखिर में एक मतला और चंद अशार बिल्कुल तादा समात फरमा लें कि ज़िक्र अली ज़बान की जीनत बना रहे, ज़िक्र अली शेर मुलादा फरमा लेंगे कि ज़िक्र अली ज़बान की जीनत बना रहे, यानी मेरे बदन का लहू बोलता रहे। ज़िक्र अली ज़बान की जीनत बना रहे, यानी मेरे बदन का लहू बोलता रहे। तो उस घर में तीरगी कभी रखती नहीं कदम, उस घर में तीरगी कभी रखती नहीं कदम, जिसमें विलाए आल का रोशन दिया रहे। उस घर में तीरगी कभी रखती नहीं कदम, उस घर में तीरगी कभी रखती नहीं कदम। यानी उस घर में
उस घर में तीरगी कभी रखती नहीं कदम, उस घर में तीरगी कभी रखती नहीं कदम, जिसमें विलाए आल का रोशन दिया रहे तो होता नहीं गुजर भी हवाओं का जिस जगह, हवा का गुजर कहाँ नहीं है ये सब आप बेहतर जानते हैं कि होता नहीं गुजर भी हवाओं का जिस जगह, बहरे मदद वहाँ पे भी मुश्किल कुशा रहे, होता नहीं गुजर भी हवाओं का जिस जगह, होता नहीं गुजर भी हवाओं का जिस जगह, होता नहीं गुजर भी हवाओं का जिस जगह, बहरे मदद होता नहीं गुजर भी हवाओं का जिस जगह, बहरे मदद वहाँ पे भी मुश्किल कुशा रहे, बहरे मदद वहाँ पे भी मुश्किल कुशा रहे, तो राजी खुदा ना होगा कभी उससे हश्र में। शेर मुलादा फरमा ले बतौर ख़ास कि राजी खुदा ना होगा कभी उससे हश्र में, राजी खुदा ना होगा कभी उससे हश्र में, दुनिया में जिससे बिनते पैगंबर खफा रहे, राजी खुदा ना होगा कभी उससे हश्र में, राजी खुदा ना होगा कभी उससे हश्र में, दुनिया में राजी खुदा ना होगा कभी उससे हश्र में, राजी खुदा ना होगा कभी उससे हश्र में, दुनिया में जिससे बिनते पैगंबर खफा रहे। शहजादी इस्लाम के सिलसिले से एक शेर ये हो गया, एक शेर रौमदादा फरमा लें कि जहरा के कातिलों पे तबर्रा किया करो, जहरा के क्यों सुनिएगा क्यों तबर्रा किया करो, कि जहरा के कातिलों पे तबर्रा किया करो ताकि तुम्हारी नस्ल का सबको पता रहे, जहरा के कातिलों पे तबर्रा किया करो, जहरा के कातिलों पे तबर्रा किया करो, जहरा के कातिलों पे तबर्रा किया करो ताकि तुम्हारी नस्ल का सबको पता रहे, तो ऐसा सजाया कर्बोबला को हुसैन ने, ऐसा सजाया कर्बोबला को हुसैन ने, जब जाए कोई इसको फकत देखता रहे, ऐसा सजाया कर्बोबला को हुसैन ने, ऐसा सजाया कर्बोबला को हुसैन ने, जब जाए कोई इसको फकत देखता रहे, जब जाए कोई इसको फकत देखता रहे। अभी अय्याम अज़ा गुजरे हैं, सबके घर में ताज़िया रखाते हैं, शेर मुलादा फरमा लें ताज़िये के सिलसिले के सिलसिले से के मुझसे करे ना कोई भी जन्नत की गुफ्तगू, मुझसे करे ना कोई भी जन्नत की गुफ्तगू जब तक मेरे मकान में एक ताज़िया रहे, मुझसे करे ना कोई भी जन्नत की गुफ्तगू, मुझसे करे ना कोई भी जन्नत की गुफ्तगू जब तक मेरे मकान में एक ताज़िया रहे। और ये आखिरी शेर लफ्ज़ों पे गौर करेंगे कि दुनियाए बेसबात में तस्कीन के लिए, दुनियाए बेसबात में तस्कीन के लिए अब्बास के अलम का फरेरा खुला रहे, दुनियाए बेसबात में तस्कीन के लिए, दुनियाए बेसबात में तस्कीन के लिए अब्बास के अलम का फरेरा खुला रहे, तो मिंबर हो या के कब्र का गोशा हो एलिया, मिंबर हो या के कब्र का गोशा हो एलिया, होठों पे मेरे नामे अली हर जगह रहे, मिंबर हो या के कब्र का गोशा हो एलिया, होठों पे मेरे नामे अली हर जगह रहे। और आखिर में चंद शेर मुलादा फरमा लें, मतलब पेश कर रहा हूँ। और एक मिसरा हुआ था हमारे यहाँ कि मिधते आल से तकदीर संवर जाती है, मिधते आल से
तकदीर सवर जाती है, मतलब मुलादा फरमा ले कि चांदनी मेरी निगाहों में बिखर जाती है। चांदनी चांदनी, दूसरा मिसा बतौर ख़ास मुलादा फरमा लें कि चांदनी मेरी निगाहों में बिखर जाती है, रोज़े शाह पे जिस वक्त नज़र जाती है। चांदनी मेरी निगाहों में बिखर जाती है, चांदनी मेरी निगाहों में बिखर जाती है, रोज़े चांदनी मेरी निगाहों में बिखर जाती है, रोज़े शाह पे जिस वक्त नज़र जाती है, तो देर लगती नहीं उस शख्स को मिसम बनते, देर देर लगती नहीं उस शख्स को मिसम बनते, कल्ब में जिसके विला इनकी उतर जाती है। देर लगती नहीं उस शख्स को मिसम बनते, कल्ब में जिसके विला इनकी उतर जाती है, तो बादबा पे जो कोई नाम अली का लिख ले, बादबा पे जो कोई नाम अली का लिख ले, उसकी डूबी हुई कश्ती भी उभर जाती है। बादबा पे जो कोई नाम अली का लिख ले, बादबा पे जो कोई नाम अली का लिख ले, उसकी डूबी हुई कश्ती भी उभर जाती है, तो हो निगाहें अगर अब्बास दिलावर जैसी। शेर मुलादा फरमा ले कि हो निगाहें अगर अब्बास दिलावर जैसी, फौज आँखों के इशारों से भी मर जाती है। हो निगाहें अगर अब्बास दिलावर जैसी, हो निगाहें अगर अब्बास दिलावर जैसी, हो निगाहें अगर अब्बास दिलावर जैसी, फौज आँखों के इशारों से ही मर जाती है, फौज आँखों के इशारों से भी मर जाती है। और ये शेर हासिल कलाम शेर है कि सात शब्बीर के दुश्मन का ना छोड़ेगी कभी, सात शब्बीर के दुश्मन का ना छोड़ेगी कभी, वो जिधर जाता है लानत भी उधर जाती है। सात शब्बीर के कातिल का ना छोड़ेगी कभी, सात शब्बीर के, सास शब्बीर के दुश्मन का ना छोड़ेगी कभी, सास शब्बीर के दुश्मन का ना छोड़ेगी कभी, वो जिधर जाता है लानत भी उधर जाती है, तो और बढ़ जाता है कुछ जोशे शुजात दिल में। परचम अब्बास से मुतालिक शेर पेश कर रहा हूँ कि और बढ़ जाता है कुछ जोशे शुजात दिल में, जब भी अब्बास के परचम पे नज़र जाती है। और बढ़ जाता है कुछ जोशे शुजात दिल में, और बढ़ जाता है कुछ जोशे शुजात दिल में, जब भी अब्बास के परचम पे नज़र जाती है। और आखिरी शेर बतौर ख़ास मुलादा फरमा लें कि शुक्र माबूद के हैदर की सना करते हुए, शुक्र माबूद के हैदर की सना करते हुए, मेरी हर रात इबादत में गुजर जाती है। शुक्र माबूद के हैदर की सना करते हुए, शुक्र माबूद के हैदर की सना करते हुए, मेरी हर रात इबादत में गुजर जाती है। ये बगैर आप हजरात को तो बहरहाल माहौल बनाने का वक्त नहीं है, बस चार मिसरों के साथ आपके गाँव ही के जनाब काशिफ हैंसवी साहब के आपके हवाले कर दूं, इसलिए कि अगर ज़्यादा माहौल बनाने में आए जो माहौल बना वो भी बिगड़ जाएगा। कि मौलाना ने अर्ज़ किया था जनाब इमाम ज़माना अजलल्ला ताला फ़र्ज़ शरीफ की खिदमत में चार मिसरे पेश करता हूँ कि पूछते हो क्यों तो क्यों हमारा रहनुमा पर्दे में है, अक्ल के अंधों से पूछो क्यों खुदा पर्दे में है, सारा कुरान रट लिया माना बता सकते नहीं क्योंकि कुरान मुबी का तर्जुमा पर्दे में है। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ जनाब काशिफ हैसवी साहब, इनके इस्तकबाल के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलावा। मक्तल में जुल्मतों की तो चलने नहीं दिया,
मख्तल में जुल्मतों की तो चलने नहीं दिया बवाद बुलंद नारे सलवान। मख्तल में जुल्मतों की तो चलने नहीं दिया, गुल करके भी चिराग को बुझने नहीं दिया। ज़ैनब निकाल लाई है जलते ख़याम से, हुरा का एक हर्फ भी जलने नहीं दिया। ज़ैनब निकाल लाई है जलते ख़याम से, कोरा का एक हर्फ भी जलने नहीं दिया। बवाज़े बुलंद नारे सलवात। ज़ैनब निकाल लाई है जलते ख़याम से, कुरान का एक हर्फ भी जलने नहीं दिया। असगर के हौसले से आया हो रहा है ये, आप हजरत हमारी तरफ मुतवज्जह रहे कि असगर के हौसले से आया हो रहा है ये, जुल्मो सितम को आज कहीं का न छोड़ेंगे। असगर के हौसले से आया हो रहा है ये, जुल्मो सितम को आज कहीं का न छोड़ेंगे। अब्बास ही की तरह है इनका भी हौसला, तीरे सितम को खा के भी हंसना न छोड़ेंगे। अब्बास ही की तरह है इनका भी हौसला, तीरे सितम को खा के भी हंसना न छोड़ेंगे। तो आवाज़ पे हुसैन की लाशों ने दी सदा, आवाज़ पे हुसैन की लाशों ने दी सदा, अरे हम मर के भी इमाम को तन्हा न छोड़ेंगे। समाप्त फरमा लीजिए कि आवाज़ पे हुसैन के लाशों ने दी सदा, हम मर के भी इमाम को तन्हा न छोड़ेंगे। ज़ैनब दयारे शाम ये कहते हुए चली, मकसद हुसैनियत का अधूरा न छोड़ेंगे, मकसद हुसैनियत का अधूरा न छोड़ेंगे। आज की तारीख के हवाले से शेर समाप्त फरमा लीजिए कि मक्तल मकसद हुसैनियत का अधूरा न छोड़ेंगे। तो मख्तल में जिस्म रह गया सर साथ साथ है, मख्तल में जिस्म रह गया सर साथ साथ है, अरे ज़ैनब को शाह कभी भी अकेला न छोड़ेंगे। मख्तल में जिस्म रह गया सर साथ साथ है, ज़ैनब को शाह कभी भी अकेला न छोड़ेंगे। बस एक बार आए हैं हुक्मे इमाम से, अब्बास अब तराई का कब्जा न छोड़ेंगे। खुशबू तुझे जो चाहिए जन्नत यहीं पे आ, अब जान करबलाए मौल्ला न छोड़ेंगे, अब जान करबलाए मौल्ला न छोड़ेंगे। उठेगी अब न लाश, उठेगी अब न लाश यहाँ से किसी तरह, हुर अर्ज़े करबला का इलाका न छोड़ेंगे, हुर अर्ज़े करबला का इलाका न छोड़ेंगे। और सब जुल्म हम सहेंगे रजा सर कटाएंगे, सब जुल्म हम सहेंगे रजा सर कटाएंगे, लेकिन कभी हुसैन पे रोना न छोड़ेंगे। नवाज बुलंद नारे सलवात। नफस नफस तो अकीदत में ढल गया होगा, तुम्हारा खौफ सुकून में बदल गया होगा। कुएं से बच के निकलना मुहाल था यूसुफ, अली का नाम ज़बा से निकल गया होगा। कुएं से बच के निकलना मुहाल था यूसुफ, अली का नाम ज़बा से निकल गया होगा। तीरों नैज़े थक गए, शमशीरों खंजर थक गए, है सफ़र में करबला बातिल के हरबे थक गए। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नफस नफस तो अकीदत में ढल गया होगा, तुम्हारा खौफ सुकून में बदल गया होगा। कुएं से बच के निकलना मुहाल था यूसुफ, अली का नाम ज़बा से निकल गया होगा। तीरों नैज़े थक गए, शमशीरों खंजर थक गए, है सफ़र में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी सरे दरबार आबिद ने कहा, हम तो चल कर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए। थाम कर बेड़ी सरे दरबार आबिद ने कहा। इसके बाद मौलाना साहब आपके हवाले हैं और नवाखानी के फराइज को अंजाम देंगे। बड़े भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तीरों
नैज़े थक गए, शमशीर व खंजर थक गए, है सफ़र में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी सरे दरबार आबिद ने कहा, हम तो चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए, ये नहीं मिलता किसी रुख से बहत्तर थक गए। हाँ मगर लिखा है रावी ने के लश्कर थक गए, ये नहीं मिलता किसी रुख से बहत्तर थक गए। तीरों नैजे थक गए, शमशीर व खंजर थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी सरे दरबार आबिद ने कहा, हम तो चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए, ये नहीं मिलता किसी रुख से बहत्तर थक गए। हाँ मगर लिखा है रावी ने के लश्कर थक गए। करबला के बाद से कातिल यही सोचा करे, सर नहीं थकते मगर चल चल के खंजर थक। कातिल यही सोचा करे, या अली, करबला के बाद से कातिल यही, या अली, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, सारे मिलकर याल। तो तीरों नैजे थक गए, शमशीर व खंजर थक गए, करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी सरे दरबार आबिद ने कहा, हम तो चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए, ये नहीं मिलता किसी रुख से बहत्तर थक गए। हाँ मगर लिखा है रावी ने के लश्कर थक गए। तो करबला के बाद से कातिल यही सोचा करे, सर नहीं थकते मगर चल चल के खंजर थक गए। सर नहीं थकते तो लेके मजलिस का तबर्रुक में जिधर बैठ गया, फना फरहान बनारसी साहब के लेके मजलिस का तबर्रुक में जिधर बैठ गया, मुस्कुरा दिए बनारस के आज़ादार, लेके मजलिस का तबर्रुक में जिधर बैठ गया, हाथ फैलाए मलक अपना उधर बैठ गया। ऐसी वालों शेर सुने, परवरिश के लिए ये कौम तरस जाएगी, आलमे दी कहीं खामोश अगर बैठ गया। लेके बहुत बड़ी मनकबत है, आखिरी मिसा इस्तेमाल, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं बल्कि मौलाना साहब को वक्त देना है, तैज़ुल हसन साहब को, कि लेके मजलिस का तबर्रुक में जिधर बैठ गया, हाथ फैलाए मलक अपना उधर बैठ गया, परवरिश के लिए ये कौम तरस जाएगी, आलमे दी कहीं खामोश अगर बैठ गया। आलमे तो किसी को हो ना सका इनके कद का अंदाज़ा, ये आसमां हैं मगर सर झुका के चलते हैं। बड़ी ही अदब व एहतराम के साथ आपके रूबरू जनाब तहज़ीबुल हसन साहब रांची, इनके इस्तकबाल के लिए बआवाज़ बुलंद नारे सलावात। फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشقي ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وهادينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا حسين فارفو صلوات. عزیزان گرامی، صاحبان ایمان، لائق صد احترام، یا سامعین کرام، یقیناً اس وقت ہم معراج کی منزلوں پر رواں اور دواں ہیں، نہ ہمیں آپ کی سماعتوں پر شک ہے، نہ آپ کی داد پر ہمیں کوئی شک ہے، اس لیے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں اگر گونگا بھی آتا ہے تو بول بیٹھتا ہے۔ اور ابھی محترم مولانا محمد حیدر صاحب بہترین نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور میں آفتاب نہیں ہوں، میں ذرہ ہوں، اور ذرہ بن کے جینا چاہتا ہوں، اس لیے ذرہ بن کے جینا چاہتا ہوں
कि आलिम की शान आफ्ताब बनना नहीं है, ज़र्रा ही बनना है। इसलिए कि आफ्ताब तो वो है जिसे अली कहते हैं, जिसे हुसैन कहते हैं, जिसे मोहम्मद कहते हैं। हम तो उनके ख़ानदान के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। मैंने जिस हदीस रसूल को सरनाम कलाम करार दिया, उलमा है माशाल्लाह, और ये रूहानी बज़्म है, और यहाँ रूहानी बज़्म ना सजेगी तो और कहाँ सजेगी। इसलिए अल्लाह का नबी ऐलान कर रहा है, और मेरी गुफ्तगू हमेशा ऐसी गुफ्तगू होती है जो मैसेज जाए तो बिरादरान इस्लाम तक कोई इख्तलाफ का सबब न बने। इसलिए मजलिस इख्तलाफ नहीं है, मजलिस इत्तेहाद है, मजलिस अदावत नहीं है, मजलिस मोहब्बत है। और हम अपनी मजलिसों में, हम अपनी मजलिसों में जो मजलिस पढ़ते हैं, हुसैन को मनवाने के लिए नहीं, हुसैन को पहचानवाने के लिए हम मजलिस मनवाने के लिए नहीं पढ़ते। पूरी तवज्जो देखिए, बहुत ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा चूँकि बहरहाल गर्मी काफ़ी है, इसका भी मुझे एहसास है। और जाने के बाद ये भी ना कहा जाए कि ताहिर साहब, ज़ुल्फ़िकार साहब किसको बुला लिया था, वो भी रांची से आया हुआ था। रांची से आया हुआ था, चूँकि ऐसे ही हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि मुहर्रम आया नहीं कि दीवाने हो जाते हैं, मुहर्रम आया नहीं कि पागल हो जाते हैं, ये पागल हो जाते हैं। इसीलिए बड़ी अच्छी बात शायर रजा बनारसी ने कही थी, शब्बीर के दीवानों को न समझाए ये दुनिया, ये खूब समझ बूझ के दीवाने हुए हैं। सलावात मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। मेरे नौजवानों, नबी का इरशाद है, नबी अकरम फरमाते हैं कि हाजा हुसैन फारिफू, ये हुसैन है। अगला जुमला मैं आपसे लूंगा, ये हुसैन है, मानो है मिराज भाई, ये हुसैन है, पहचानो। सवाल ये पैदा होता है, ये 1350 बरस का अरसा गुजर गया, आज़ादारी को बंद करने की कोशिश की गई मगर आज तक बंद नहीं हुई है ना। और जब मनवाने की बात होती है तो उसके लिए एहतजाज होता है, और जहां वो बात मान ली जाती है, जहां मान ली जाती है भाई, माशाल्लाह ज़ुल्फ़िकार साहब हमारे साहिबेल में नज़र हैं, और बहरहाल पुलिस डिपार्टमेंट के कानून को अच्छी तरीके से जानते हैं। जहां मान लिया जाता है वहां पे एहतजाज ख़त्म हो जाता है, मगर रसूल कहते हैं मनवाना नहीं है, पहचानवाना है। पहचानवाना तो परवरदिगार तेरी बारगाह में एक अरना सा सवाल है कि मोहम्मद कह रहे हैं कि मानो नहीं पहचानो, आखिर ये पहचानवाया कब तक जाएगा। अजब नहीं आवाज़ कुदरत आए, नादान हुसैन ऐसी ज़ात का नाम है, माजी की ज़रूरत का नाम हुसैन है, हाल की ज़रूरत का नाम हुसैन है, मुस्तकबिल की ज़रूरत का नाम हुसैन है। सवाल है या नबी अल्लाह, आप कह देते मानो, जो बंदी भी मान लेता, अहले हदीस भी मान लेता, बरेलवी भी मान लेता, शिया तो मान ही रहा है, याद कर रहा हूं भाई इकरार साहब, मान ही रहा, पूरी तवज्जो, आखिर मान लेता। अजब ने मेरा नबी आवाज देता नजर आए, नादान तुझे मालूम नहीं है, हमने इसलिए नहीं कहा कि मानो कि कल हो सकता लोग कहते जबरन हलक से उतरता नहीं था, नबी ने कहा था इसलिए मैंने मान लिया, मगर इसलिए मैंने मानने को नहीं कहा कि जब पहचान के मानोगे
माशाल्लाह। तो जब हुसैन को पूरी तवज्जो, जब हुसैन को पहचान के मानोगे तो जब पहचानोगे तो पहचानने में शराफत भी होगी, तहारत भी होगी, इखलाक भी होगा, मुरव्वत भी होगा। सुनो, जब पहचान के मानोगे तो जमीर भी पाक होगा, लहू भी पाक होगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर तक, अपने मेरे छोटे भाइयों तक, बुजुर्गों से माजरत के साथ, ये जो फिक्रा अल्लाह के नबी ने फरमाया तो आखिर मजमे में खड़े होकर के मिंबर पे आके, मिंबर पे आके कहते हैं हाजा हुसैन फारूक, ये हुसैन है पहचानो, मिंबर पे लाके। भाई दो ही को मिंबर पे लाया गया है, भाई यासी साहब दो ही को मिंबर पे लाया गया है। ये अजीब फकरा है कि बाप को पहचानवाया गदीर में, हाय 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 हाय, बेटे को पहचानवाया मस्जिद नबवी से। सुनो, लोगों के जलसे में स्टेज तो मिलते हैं, मिंबर नहीं मिला करते। सलावत मोहम्मद व आल मोहम्मद। ये हुसैन है पहचानो, कहां से? मिंबर से। बहुत तवज्जो। ये बताइए, मैं तो आपकी एक तरह से बस्ती का बंदा हूं और बिरादरी अजीज मौलाना बाकर साहब, मौलाना हसनी साहब, खुदा सलामत रखे इन बुजुर्गों को हमारे, अल्लाह तुले उम्र दे। अभी कह रहे थे बाकर भाई, ये भी तो आपका वतन ही है और आपको तो आते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए। जहां हुसैनी पहुंच जाए वही उसका वतन है, है ना? पूरी तरह जाने के नाम। तो आप कहां पहचानवाया? मिंबर से। अच्छा, मिंबर से पहचानवाया तो रसूल कहां थे? कहां थे? मिंबर पर। हुसैन कहां थे? नो, हुसैन तो मस्जिद में दाखिल हो रहे थे और मस्जिद नबवी में जब दाखिल हुए तो लोगों ने कहा कि हुसैन गिरे। तहजीब रसन का अकीदा नहीं है गिरने का, इमामत गिरते हुए को संभालती है। इमामत गिरते हुए को संभालती है, इमामत गिरती नहीं, बल्कि मेरा अपना अकीदा है कि नहीं गिरे नहीं, बल्कि मस्जिद नबवी की उस जमीन ने आहट इमामत को महसूस किया, कहा हुसैन ठहरो, हुसैन ठहरो, हुसैन ठहरो, इसी जगह पे नबुवत और इमामत का मिलन होना है। अब एक सवाल है अपने नौजवानों से, उलमा तशरीफ फरमा है, ये बताइए कि नमाज जोहर में खुतबा होता है, नमाज असर में खुतबा होता है, नमाज सुबह में खुतबा होता है, भाई या तो नमाज जुमा में, या तो नमाज ईद उल अज़हा में, या तो नमाज ईद उल फितर में, इसी तीन नमाज में, इन तीनों नमाजों में सबसे ज्यादा मजमा भी होता है, है ना? अच्छा, और इसमें जो कभी ना भी पढ़ा हो
वो भी ईद वाली में आता है, वो भी बकरीद वाली में आता है। तो जो असहाब कभी भी ना पढ़ते थे तो वो भी तो ज़ुल्फ़िकार में रहे होंगे। अच्छा तो खुद मान लिए मैं आपके बीच का आदमी हूँ, हमारा कोई छोटा सा बेटा हो, पोता हो, किसी का बच्चा हो, वहाँ पे आते हुए गिर जाए, मेरा बेटा गिर सकता है जियो भाई, गिर जाए तो क्या जियो भाई खामोश बैठेंगे मौलाना के बच्चे को? देखेंगे जल्दी से उठाओ मौलाना तक पहुँचा दो, बच्चा रो रहा है। आखिर हुसैन अगर गिरे तो सबकी आंखें बंद थी, कोई तो आगे बढ़ता है, इमामत को हाथ लगाता, यानी मतलब समझ में आया, किसी की ताकत नहीं है जो इमामत तक पहुंचे। पूरी तवज्जो उठे। अब मैंने कहा कि याद रखिएगा मुसलमानों, शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी जमात इस्लामी तमाम तक सोशल मीडिया पे मजलिस वायरल हो रही है, पूरी तवज्जो। बनारस के ज़ादार चैनल भी है, दूसरा चैनल भी है, पूरी तवज्जो। ये भी बड़ी खिदमतें हैं पैगाम पहुंचाना। तो अब रसूलुल्लाह मिंबर पे लेके आए, ये बताइए नमाज जुमा का खुतबा क्या है? एक की दो? नमाज ईद का खुतबा एक है के दो? नमाज बकरीद का खुतबा एक है के दो? दो। शिया के यहाँ दो, सुन्नी के यहाँ दो, देवबंदी के यहाँ दो, बरेलवी के यहाँ दो, अहले हदीस के यहाँ दो, जमात इस्लामी के यहाँ दो, है ना सबके क्या? तो आखिर ये बताओ पहला खुतबा क्या है? पहला खुतबा मिल्लत इस्लामिया के यहाँ हमद सनाए परवरदिगार, दूसरा खुतबा अजमत आले मोहम्मद पे दरूद सलाम। सलाद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आपकी दरूद की आवाज बता रही है कि मैं मसाइब की तरफ जा जाऊं। सलावत मोहम्मद वाल, पूरी तवज्जो। तो कहा ये हुसैन है पहचानो, मिंबर पे लाए, जाके पहचान। एक सवाल है नबी से, या नबी अल्लाह नीचे खड़े करके बता देते ये हुसैन है पहचानो, ये मिंबर पे लाके क्या आपको पैसा है? कहा तुम जानता नहीं कितने शातिर लोग यहाँ हैं, कल कह देते इशारा उधर थोड़ी था, इसकी तरफ था, लिहाजा मैंने इसलिए ताकि जमाना पहचाने कि ये हुसैन है। तो नबी ने बताया, नबी ने हुसैन का तारुफ कराया। हम मुहर्रम करते हैं तो लोग कहते हैं बिदअत है, हमसे हम मुहर्रम करते हैं तो लोग कहते हैं बिदअत है। देखिए एक बात याद रखिए, 1350 साल के बाद कम से कम मुसलमानों के थोड़ा सा अक्ल व शऊर जागा है। कल सिर्फ नारे हैदरी हमारी मजलिसों में लगता था, कल लब्बैक या हुसैन सिर्फ हमारे के यहाँ लगता था, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कहीं ज्यादा उनके कहाँ लगता है। पूरी तवज्जो, उनके कहाँ लगता है। अभी मैं बताऊं, अभी हमारे कहाँ रांची में एक शादी थी रसालदार बाबा के मजार पर, पूरी तवज्जो। मास्टर उस्मान साहब हैं हमारे सरजमीन रांची में, मास्टर उस्मान साहब के बेटी की शादी थी, उसके बाद जब निकाह हुआ, निकाह के बाद उन्होंने कहा कि आप भी तकरीर कीजिए, मैंने भी तकरीर किया। जब तकरीर मैं करने लगा तो उसमें वो नारे हैदरी लगाने लगे, पूरी तवज्जो, नारे हैदरी लगाने लगे। मैंने वहीं पे पूछा, भाई उस्मान साहब इस वक्त ये नारे हैदरी क्यों लगा रहे हैं, ये नारे हैदरी क्यों लगा रहे हैं? क्या प्यारा जुमला उसने कहा, क्या मौलाना साहब हम इसलिए नारे हैदरी लगा रहे हैं कि इसके यहाँ आने वाला बच्चा वफादार पैदा हो, बेवफा ना पैदा हो। सुनिए, हुसैन का जिक्र मौजज़ा था, मौजज़ा है, मौजज़ा रहेगा। हुसैन का जिक्र नस्लों की पहचान है। अच्छा एक बात, मौजज़ा है या नहीं मजलिस, है ना, किसी को इनकार है?
नहीं है। अच्छा ये बताइए, हमारे अब्बा मरेंगे तो मजलिस का जो इश्तहार छपेगा तो उसमें क्या लिखा जाएगा? मजलिस हुसैन, हम मरेंगे तो लिखा जाएगा मजलिस चेहलुन तहजीबुल हसन बनाम जिक्र इमाम हुसैन, है ना। अच्छा, इतने दिनों से मजलिस हो रही है इसी हैसी में, एक ज़माने से हो रही, कल शायद इस गांव में एक दो खतीब होते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में खतीब है, है ना। तरक्की हुई, हर घर में उलमा हो गए माशाल्लाह, जाकिरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी तवज्जो। अब हैसी पैसे से नहीं पहचाना जा रहा, उलमा से पहचाना जा रहा, जाकिरीन से पहचाना जा रहा, पूरी तवज्जो। अब ये बताइए, मौलाना हसनी साहब का बिला एक ज़माने से मजलिस पढ़ रहे हैं, पोस्टर छपता है काहे का? जिक्र इमाम हुसैन। जुल्फ़िकार भाई ने पूरा अशरा पढ़ा होगा, है ना। जीएन भाई ने पूरी मजलिसें पढ़ी होंगी, ये हमारे जो छोटे भाई हैं सब ने पढ़ा होगा मजलिसें। पूरा पोस्टर है बनाम हुसैन, 1400 बरस को तकरीबन होने को आ गए, मगर मजलिस हुसैन की होती है, जिक्र आदम का। मजलिस हुसैन का नाम है, कोई आके नूह को पढ़ रहा, कोई इब्राहिम को पढ़ रहा, कोई लूत को पढ़ रहा, कोई साले को पढ़ रहा, कोई जकरिया को पढ़ रहा, कोई अनस को पढ़ रहा है? अच्छा पढ़ रहा ना। आप बताइए, चलिए आइए आप मेरे साथ जरा यूनिवर्सिटी में चलते हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे हजरात हैं। तो ये बताइए कि आज ये सब्जेक्ट दे दिया जाए कि आज मैथ है, और जो मैथ के बजाय प्रोफेसर आकर के साइंस पढ़ाने लगे, साइंस का लेक्चर देने लगे, है ना, या वैवा है, थेटिस है, आप जाइए पीएचडी कीजिए, और आया है क्या आपको थेटिस किस पर लिखनी है? मिसाल के तौर पे मीरनीस पर। और जो आया है वैवा लेने, इम्तहान लेने, वो मीरनीस की गुफ्तगू ना करके गालिब को पूछने लगे, याद कर रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? भाई इसको इतनी भी अकल नहीं है कि बात करनी थी अनीस की, ये कर रहा है दबीर की, ये कर रहा है गालिब की। भाई 1400 बरस हो गए, मजलिस हुसैन का नाम देते हैं, कोई आदम पढ़ रहा, कोई नूह पढ़ रहा, किसी ने एतराज किया? तौहीद भाई किसी ने एतराज किया? हमने पूछा क्यों नहीं एतराज किया? नाम तो हुसैन का दिया, ये आदम का जिक्र है, अली का जिक्र है, मोहम्मद का जिक्र है, आपने आवाज दिया मौलाना आपको मालूम नहीं है? हुसैन किसी जात का नाम नहीं है, वारिस अंबिया का नाम हुसैन है। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोजज़ा, मजलिस मोजज़ा है, मजलिस इबादत है, मजलिस सवाब है। नमाज अगर लोगों की हिदायत करती है तो मजलिस भी लोगों की हिदायत करती है, बहुत तवज्जो। अगर नमाज बुराइयों से रोकती है तो मजलिस भी बुराइयों से रोकती है। कम से कम इतना तो बुराई से रोका कि अगर अभी मैदान में बैठे होते तो मोबाइल में बिजी होते, मगर यहाँ जब आप आए हैं तो इबादत में शामिल है। ना कोई छोटा चला रहा, ना बड़ा चला रहा, इसका मतलब यह है वहां पर भी ख्याल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी बेख्याली नहीं होनी चाहिए। सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुसैन का मौजज़ा सुनोगे? हुसैन का इतना बड़ा मौजज़ा तारीख आलम इस्लाम में कोई नहीं ला सकता जितना बड़ा मौजज़ा आज़ादारी इमाम हुसैन। अर्ज करूं, अभी यहां पे नजर बन रही है, नजर बन रही है,
क्या इन्होंने काउंट किया मेरे घर वाले कितने होंगे, मेरे ससुराल वाले कितने होंगे, मेरे ननिहाल वाले कितने होंगे, मेरे दादियाल वाले कितने होंगे। अगर आपके यहाँ जब शादी होती है तो घर के लोग बैठेंगे, कितने लोग होंगे, का बाराती 100, नवेदी 200, ससुराल वाले इतने, ऑफिस वाले इतने, अजीज इतने, खानदान इतने, अच्छा है ना राशि वाले। अब सुन लीजिए, मिसाल के तौर पे मैं आया यहाँ, पूरी तवज्जो, या मैं यहाँ पेश नमाज हूँ, हूँ नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ, वरना बाकर भाई कहेंगे कब्जा करने आ गए। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम इसलिए दुरूद अच्छी पढ़ा करो कि हूरें अच्छी मिले। सलावत मोहम्मद। वैसे भी हर नौजवान जो बेघर शादी वाला हो चाहता खूबसूरत भी मिले ना, बस सूरत थोड़ी ही मिले। तो हूरों का महर क्या है, हूरों का महर क्या है? जब छठे इमाम से किसी ने पूछा मौला हूरों का महर क्या है, क्या जितनी खूबसूरत दुरूद होगी उतनी खूबसूरत हूरें मिलेंगी, है ना। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं इत्तेफाक से आया, अच्छा इत्तेफाक मैं आया, और जुल्फिकार साहब ने या हमारे भाई बड़े भाई हाजी मोहम्मद साहब ने कहा अरे तहसीब साहब आप आ गए हैं तो आप शाम में नमाज मगरिब के बाद आ जाइएगा, आपकी दावत है, आपकी दावत है। मैं जितने लोग मस्जिद में थे कहा फरमान साहब चलिए, शुजा साहब चलिए, चलिए साजिद साहब चलो, हैसी वाले मेरे साथ चलो। कहा क्या? कहा मोहम्मद भाई की दावत है, दिलफकार साहब की दावत है। इन्होंने दरवाज़ा एक बार खोला, कि पगला मौलवी है क्या? कहा अभी तक तो शक नहीं था, अब इस पर शक हो गया। दावत दिया था इनकी, ये लेके इतने को आ गए। अब चन्नू भाई दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, बीवी पूछे क्या हुआ मौलाना आए? आज फंस गया हूँ बड़ा बुरा। क्या हुआ? का खामोश रहो, धीरे धीरे लोग जब चले जाएंगे इंतज़ार करके तब दरवाज़ा खोला जाएगा। ये था दावत का एहतमाम। कल ये मिले, मिलने के बाद तौहीद भाई ने कहा, जियो भाई ने कहा मौलाना कल आइएगा, हमारे का नजर है, कल आइएगा नजर है। मैं मस्जिद में पहुंचा, मैंने कहा मस्जिद वालों कहा क्या है? कहा नमाज के बाद चलिए नजर है। कहा कहाँ? कहा वही जुल्फकार साहब क्या, तौहीद साहब क्या, आप जब दरवाजे पे आए तो आज ये निकले मौलाना शुक्रिया, मौलाना बहुत बहुत एहसान, मौलाना बहुत शुक्रिया। मैंने कहा क्या हुआ? कल तो आप दरवाजा बंद कर रहे थे। कहा कल दावत थी, आज नजर है। एक जमाने वालों 1400 बरस के बाद भी नजर का मौजज़ा समझ में ना आया। जब नजर ना समझ में आएगी तो ज़ुल-अशीरा का खाना क्या समझ में आएगा? पच्चीस मिनट गुजर चुके हैं, चंद मिनट बस आपकी जहमत, ज्यादा नहीं। अच्छा ये बताइए कि सबसे ज्यादा हुसैन का ही तारुफ क्यों कराया गया और सबसे ज्यादा हुसैन ही का जिक्र क्यों हो रहा? गलियों में जाइए, इलाकों में जाइए, शहरों में जाइए, है ना, कोई महीने को पूछ लीजिए, कोई नहीं बताएगा रमजान के अलावा कि उसकी फजीलत क्या है।
मगर मुहर्रम ऐसा है कि जैसे ही लफ्ज़ मुहर्रम आएगा किसी से भी पूछिए ये किसका महीना, तो कहेगा हुसैन का, है ना। और कितना बेवकूफ़ है मुफ्ती, जुमे जुमे 8 दिन पढ़ने के बाद फ़कीह बन जाता है, मुफ्ती बन जाता है। और इतना मुफ्ती, ऐसा मुफ्ती जो कहता है वजू बनाओ, और इतना भी बेवकूफ़ है, नमाज फजर पढ़ता हूँ मैं, नू मेरा काबा शरीफ के, और शिया हुसैन की मजलिस में जब ज़्यारत पढ़ते हैं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो कहता कहाँ से बिदत लेके आओ, रसूल अल्लाह की हिंद था है? मैंने कहा कि आप तो हैसी में नमाज पढ़ रहे थे ना, कहाँ पढ़ रहे थे, का नियत का किए थे, नमाज जुहर पढ़ता हूँ मैं, मुंह मेरा काबा शरीफ के, मुंह मेरा काबा शरीफ के कुर्बतन इल्लाह। हमने कहा माँ कितना झूठ बोलते हो, मसल्ले पर भी खड़े होके क्या झूठ बोला है? हमने कहा सफ़ेद झूठ है ना, तुम तो खड़े हो रहा हैसी की मस्जिद में, हैसी में, अब कह रहा मुँह मेरा काबा शरीफ के, अभी तो हिंदुस्तान भी पूरा अपने ही हुए, काबे में कैसे चले गए? क्या मौलाना साहब इतनी अकल नहीं है, रांची से आए हो, अल्लाह ही थोड़ी देखता वहाँ पहुँचो, अल्लाह नीयत देखता है। अरे अकल के अंधो, अगर ये तुम्हारी नीयत काबे तक पहुँचा सकती है तो शियों की उंगली का इशारा करबला पहुँचा देता। जो इशारा करते पहुंच जाता, मैं कहां पहुंच जाता, कहा अच्छा बतिया समझ में नहीं आती तुम लोगों की, पहुंच जाता। अच्छा ये बताओ कि माखन कहां से लाए हो, मतलब मौका है तू करते हो, चोट हमें लगती है दर्द तुम्हें होता है, है? अच्छा इमाम हुसैन को किसने मारा था, किसने मारा था जियो भाई, आपने बोलेगा कौन नहीं बोलेगा है? अरे इल्जमुआ तो हमरे पर है ना, ये मारी नहीं ये रोहत है, ये मारीन है ये खुदे रोते हैं। चलिए इस जगह बड़ी आप बड़ी अच्छी बात करें, बड़े समझदार हो गए, बड़े पढ़े लिखे आ गए, ठीक है लानत हम भेजते हैं, बुरा तुम्हें क्यों लगता है? भाई जिसके खानदान हो का होगा उसी को तो बुरा लगेगा, जिसके खानदान का है ना उसे बुरा ही नहीं लगना चाहिए। तो अगर हमने मारा हम ही लानत भेजते हैं मर जाना पे, हाय हाय हाय, अभी सुफियान पे, तो बुरा आपको क्यों लगता है? हमें जिसका बलर जैसा रहता है, उसके बाद भी हमसे बस एक जुमला सुने, एक वाकया और मानिश तमाम। कि इमाम हुसैन को मिंबर में तो पहचानवाया इमाम हुसैन को हुजूर सरवर कायनात ने, लेकिन हिंदुस्तान में पगला मुफ्ती है, पगला। अरे जब अच्छी बात ना करे तो पागले तो होगा, कुरान पागल दीवाना नहीं पढ़ता है, कभी कभी तो आपसे ज्यादा अच्छी पढ़ के चौराहे पे पढ़ता रहता है, लोग गुजरते जाते हैं, होता या नहीं होता? तो चलिए ठीक है, आपको तो एतराज़ करना ही है, जब आपके अब्बा राज़ी ना हुए तो आपका राज़ी होइएगा, आपको ज़बरदस्ती ज़ालिम को रज़ी अल्लाह ही बनाने पर आमादा, राज़ी हो जा राज़ी हो जा। अरे नाराज़ हमसे हुआ तो हम राज़ी करेंगे ना जी, वाह वाह वाह,
भैया ये जावेद मियाँ हैं, ये हमसे कभी नाराज नहीं हुए, जबरदस्ती हम कहें राजी हो जा मियाँ, राजी हो जा। कुछ हुआ ही नहीं। या आप कहें यासिर बाबू फरमान भाई कहें राजी हो जाइए मौलाना से, तो इसका मतलब इनको कुछ मालूम है कि नाराजगी है। तब तो अब सारी चीजें खोल के नहीं पढ़ी जा सकती। 1400 बरस से लोग कहें राजी हो जा। मैंने कहा मेरे भाइयों जरा ये बताओ नाराज कब हुआ था। कब नाराज हुआ था तुम्हें कैसे पता चल गया? क्या हमें पता है इसलिए नाराजगी के राजी कर रहे हैं जिससे मोहम्मद नाराज हो? मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब एक बात आई है तो चलिए बस नमाज आप भी पढ़ते हैं हम भी पढ़ते हैं। नमाज में अगर कोई बच्चा आके पेश इमाम साहब के पुश्त पर बैठ जाए, नवासा हो चाहे बेटा हो जो भी हो जाए, तो पहला सवाल यह है कि वो जो बच्चा आया था वो सामने से आया था कि पीछे से? दो सवाल है। तारीख कहती है कि इमाम हुसैन आए चाहे पीछे से चाहे आपके सफों को चीरते हुए आए, जो भी किया हो उस बहस में मुझे नहीं जाना ही नहीं, तबील हो जाएगा। मगर एक मुफ्ती ने लिखा सज्जाद नुमानी के, देखो नमाज में गैरुल्लाह का तसव्वुर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और गैरुल्लाह का तसव्वुर अगर आ गया तो तुम्हारी नमाज बातिल। चलिए जो आदमी इमाम बुखारी साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा है वो ज़्यादा मोहतरम है कि जो नबी के पीछे नमाज पढ़ा वो मोहतरम? बस मैंने फजाइल का गोशा आपके हवाले कर रहा हूँ, बस यहीं से मेरी गुफ्तगू तमाम है। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी कभी रही और आपने याद किया तो बहरहाल हकीर हाजिर हो जाएगा। तो बहरहाल पूछते रसूल पे जाके इमाम हुसैन, देखिए वाकया सुना हुआ है, मैं कोई नई बात ला नहीं सकता, ना मैं कोई इस खतीब गदीर पढ़ सकता है, नहीं नज़ुल अशीरा पढ़ सकता है, सीरत हुसैन पढ़ सकता है। भाई नई उसके लिए बनाई जाती जिसे आप बना के लाते हैं, जिसे खुदा ने बनाया हो। न कुरान पुराना होता है ना कुरान नातिक पुराना होता है ना उसके फजाइल। अच्छा आगे पूछते रसूल पे बैठ गए, तो बैठ गए तो रसूलुल्लाह को झिड़क देना चाहिए हटो, मगर तीन बार के बजाय मिसाल के तौर पे यहां कोई नमाज पढ़ा रहा हो और रोज कहता हो सुभान रब्बी अल आला व बिहम्द सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्द, एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा, पांच मरतबा, जहां छह सात होगा गर्दन उठेगी। मौली साहब को क्या हो गया? मौली साहब को क्या हो गया? तो रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाले, इससे पहले नबी ने इतनी मरतबा पढ़ा नहीं। इससे पहले इतना पढ़ा नहीं। तारीख कहती ना उलमा तशरीफ फरमाएं कि 70 मरतबा सज्जाद नुमानी कहता है कि गैरुल्लाह का तसव्वुर आ जाए तो नमाज बातिल। मैं उससे पूछना चाहता हूँ ये जो असहाबे रसूल नमाज पढ़ रहे थे रसूलुल्लाह के पीछे तो सर तो उठाया होगा, हुसैन सजदा, हुसैन हुसैन सजदा, हुसैन सजदा। अरे किसी ने तो जाके कहा होता या रसूलल्लाह नमाज मेरी तो बातिल हो गई, मगर जब नमाज तमाम हो चुकी, सुनिए तारीख जुमला, नमाज तमाम हो गई, नबी की बारगाह में चंद लोग आए, नाम नहीं लूंगा, नबी की बारगाह में चंद लोग आए, कहा या रसूलल्लाह आज मेरी नमाज को मेराज मिल गई, आज मेरी नमाज को मेराज मिल गई, आज मेरी नमाज को मेराज मिल गई। नबी ने पूछा क्या हुआ? कहा ना इससे पहले वालों ने ऐसी नमाज पढ़ी है, ना इसके बाद को ऐसी नमाज पढ़ेगा। मैंने जब देखा सजदा तूल दिया
किया, हमने गर्दन उठाई तो क्या देखा, पुश्ते नबूवत पर इमामत सवार है, कभी हुसैन याद आया, कभी मोहम्मद याद आया, कभी मोहम्मद याद आया, हुसैन याद आया। इसके बाद पढ़े तो नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले असहाबे रसूल ने नमाज पढ़ ली और कहा नमाज मेराज हो गई। आज कहते हो गैरुल्लाह का तस्वुर आ जाए तो नमाज बातिल। मैं कहता हूं वो नमाज बातिल है जिस नमाज में हुसैन शामिल नहीं है। कोई कहे मौलाना गुमराह करके गए, पूरी तवज्जो आखिरी मजमे तक। इज़ाने गिरामी हो सकता है आप कहें मौलाना ये कैसे हो सकता है जिस नमाज में हुसैन नहीं है वो नमाज बातिल करार दे रहे हैं। मैं चैलेंज के साथ इसलिए कह रहा हूँ आज वो अगर आज मुसलमान सन 61 के बाद नमाज पढ़ रहा है तो हुसैन की वजह से रोज़ा रख रहा है, हुसैन की वजह से काबे जा रहा है, हुसैन की वजह से कुरान पढ़ रहा है, हुसैन की वजह से। हुसैन की अजमतों को पहचानो और पहचान करके हुसैन को तब जानो, इसलिए कि जहां हुसैन के फजाइल के कमालात का कायनात में कोई सानी नहीं मिलता उसी तरीक़े से मसाइब करबला की सानी कोई तारीख नहीं है। अजीज़ो अभी जब मुहर्रम का चांद फलक पे नमूदार होना था हर आज़ादार मुस्तरिब परेशान था कि कैसे आज़ादारी होगी, कैसे आज़ादारी करेंगे, क्या वतन जाने के बाद भी मुझे मजलिस न मिलेगी, जाने के बाद भी जुलूस न मिलेगा। मगर जिसका काम था उसने खुद इंतज़ाम करा दिया। आज़ादारो आज 11 मुहर्रमुल्लहराम, हाय ये वो दिन है जो बड़ा क़यामत का दिन। अल्लाह न करे किसी का घर ऐसे उजड़े जैसे जहरा का घर उजड़े। मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, यकीनन मसाइब न पढ़ने की चीज़ है न सुनने की चीज़ है, मसाइब सिर्फ तसव्वुर करबला की शर्त। तसव्वुर करो कि 70,000 का लश्कर 72 पर टूट रहा है और टूटा ही नहीं, 3 दिन के भूखे प्यासे ख़ानदान आले मोहम्मद को कुंद खंजर से ज़िबा किया जा रहा। बाज़ वो हैं कि जिनकी शहादत 2 मरतबा हो रही,
बाज वो हैं जो अजीज़ान गिरामी के जिनकी माएँ इनकार कर रही हैं कि अब मैं तुम्हारा लाशा नहीं लूँगी, इसलिए कि मैंने माँ जाए हुसैन पर फ़िदिया कर दिया। अजीज़ो ज़िंदा रहे तो अगले बरस, आज 11 मुहर्रम 1443 हिजरी की यह तारीख़ यह दिन हम सब के लिए रोने के लिए है। मैं बानियाने अज़ा का ममनून व मशकूर हूँ कि खुदा ने तौफीक दी, दुआए जहरा ने काम किया, उन्होंने फ़र्श अज़ाए हुसैन बिछाया। मगर हाँ अजीज़ो, कभी कभी साहिब औलाद हैं आप हजरात, हमने भी देखा है कि बाद बेटियाँ बाप से बड़ी मानूस हुआ करती हैं। जब बाप का सीना नहीं मिलता तो बच्चियाँ नहीं सोती। हुसैन की एक बच्ची करबला में थी जिसे यतीम सकीना कहा जा रहा। 10 मुहर्रम 1961 के बाद उसे यतीम हुसैन के नाम से जाना जा रहा है। ए अजीज़ो, अल्लाह न करे कोई बच्ची हो और प्यासी भी हो, इतने मसाइब भी बर्दाश्त कर चुकी हो और बाप का सीना भी ना मिला। अजीज़ो तारीख कहती है जब बाप का सीना नहीं मिला ना तो सकीना बीबी शहादत हुसैन के बाद मक्तल में आईं और आने के बाद आवाज़ दे रही थी, 11 मुहर्रम है, आवाज़ दे रही थी, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई। मगर हाँ अजीज़ो, सकीना बीबी ने जैसे ही ये जुमला ये फ़िक्रा कहा, अल्लामा दर्दबंदी ने लिखा कि सकीना बीबी ने अपनी यतीमी का वास्ता दिया, ए बाबा क्या यतीमी के बाद सकीना को भूल गए, शहादत के बाद सकीना को भूल गए। आज़ादारों, उसके बाद भी कोई आवाज़ नहीं आई, मगर जुमला सुन लो आज़ादारों, एक मरतबा सकीना बीबी ने कहा, हे बाबा जो बुंदे पहनाए थे वो जालिमों ने छीन लिया, लौ से खून बह रहा है, ए बाबा क्या न देखोगे। ये आज़ादारों जुमला सुनोगे, कहते हैं कि सकीना बीबी आके फरियाद कर रही थी मगर कोई लावाज नहीं आई। एक बार जैसे ही सकीना बीबी ने कहा, बाबा जब तक सीने पे न सोती थी मुझे सुकून न मिलता था, ए बाबा क्या आप अपने सीने पर न सुलाओगे, हुसैन का लाशा हवा में मुअल्लक हो गया, आवाज आई मेरी लाल सकीना, मेरी लाल सकीना आ मेरे करीब आ जा, मेरे करीब आ जा। ए अजीजो, सकीना बीबी अपने बाप के लाशे से जाके लिपट गई। ए अजादारों मेरे नौजवानों, रो लो इसलिए कि इसी फर्श अजा पर एक यतीमा आई है रूमाल लेके। अजादारों आती हैं और जब रूमाल लेके जाती है ना तो कहती है, भैया असगर इन अजादारों को सलामत रखना, भैया अली अकबर इन आज़ादारों को सलामत रखना, मैं बीबी फातिमा की खिदमत में बस इतना कहूँगा, ए बीबी इन आज़ादारों से कोई कोताही हो गई हो तो माफ कर देना, हक आज़ादारी अदा ना हो सका। अजीजो आ गई सकीना बीबी, जुमला सुन लो आज़ादारों, बीबी सकीना आई बाप के सीने पे सो गई। हुसैन की अमानत को तलाश करते हुए ज़ैनब उम्मे कुलसूम मक्तल में आई, भैया की अमानत खो गई है, भैया की अमानत खो गई है। क्या देखा, एक लाश पे सकीना आराम कर रही, दोनों बहनें बैठ गईं, इसलिए बैठी ताकि सकीना कम से कम सुकून से सो ले। अभी बीबी ज़ैनब में कुलसूम बातें कर रही थी कि सकीना बीबी चौंकी, चौंकने के बाद कहा, फूफी अम्मा आप इस सहरा में क्यों आ गई हैं, आप इस मख्तल में क्यों आ रही हैं। जुमला सुनो ज़ादारो, ज़ैनब बीबी कहती है, बेटी बेटी तुझसे एक सवाल है। वो आपको आवाज़ दी, फूफी अम्मा क्या सवाल है। कहा, अच्छा ये बता, लाश या तो सर से पहचानी जाती है, या तो लिबास से पहचानी जाती है, या अलामत से पहचानी जाती है। ए बेटा ना इस पे लाश पे सर है ना कोई लिबास, कैसे पहचाना। सकीना बीबी कहती है, पप्पी अम्मा बैठो, अरे जब मैंने मैं यतीमी का मसीहा पढ़ा, मेरे बाबा का लाशा हवा में मुअल्लक हो गया, आवाज आई मेरी लाल, ए सकीना जा तेरा बाबा इस नशे में।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अज़म बक़ज़ाई तस्लीमन लिअम्रे बारिलाहा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सबके तुफ़ैल में इस बस्ती पर अपनी ख़ुसूसी रहमत नाजिल फरमा। बानियान अज़ा के दिली हाजतों को पूरा फरमा। पालने वाले नौजवानों को इल्म की दौलत से माला माल फरमा। पालने वाले जो हमारे बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, कंपटीशन में बैठे हुए हैं, बैठ रहे हैं, परवरदिगार उन्हें आला ओहदों पर तरक्की अता फरमा। जो बेरोज़गार हो चुके हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह का मालिक अता फरमा। बिलखसूस इस बस्ती के जो बीमार मोमिन मोमिनात हैं उन्हें शिफा आजिल अता आदिल अता फरमा। बिलखसूस मरसिया खां जनाब ज़ीशान साहब को और जनाब फजल इमाम साहब की वालदा इस वक्त सख्त तलील हैं। परवरदगार बेहक़ अज़ाए हुसैन से दुशोदा के सदक़े में इन मोमिन और मोमिनात को सेहत कामिला और आजला अता फरमा। पालने वाले इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके सिपाहियों में शुमार फरमा। मातम हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, आप हजरात दस्ता बना लें। जनाब फरमान जंगी पूरी साहब मातम पढ़ेंगे, नवा पढ़ेंगे। आप हजरात दस्ता बना लें। या हुसैन, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी। सब मिलके गाजी, ऐ मेरे 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 गाजी, ऐ मेरे, ऐ मेरे गाजी, 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 ना महरमों के है दमिया अब बरहे ना सरते शाहजादे, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, हमें सितम गर सता रहे हैं, बना के कैदी रुला रहे हैं, हमें सितम गर सता रहे हैं, बना के कैदी रुला रहे हैं, मगर नहीं को गम है इसका, हमें रुलाती है बेरदाई, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, फटी है लावे है खून जारी, किसे बुलाए ये गम की मारी, ये जुल्म आखे सहेगी कब तक, तेरी सकीना बहुत प्यासी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, बरहे ना सरदर बदर पीराया, हमें लईनों ने मेरे भैया, तुम्हारा साया था हम पे जब तक
तक किसी ने सर से रेदान छीने। ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ये शाम का ए दे दे मंजर है मजमे अगिया रे हम खुले सर खड़े तमाशा हंस रहे हैं झुकाए सर रो रही है बीबी। ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, हुई है आज़ादी क़ैद से हम, बताऊं कैसे सहे हैं जो गम, हमें लईनों ने खून रुलाया हमारे शानों मेरे से माथी। ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, जब आई करीबों बला में ज़ैनब बयान करने लगी मसाएब, तड़ाप के कब्रे अखी से ज़ैनब लिपट गई कह के भाई भाई। ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, ऐ मेरे गाजी, मेरे गाजी, मेरे फरियाद सुनो ज़ैनब तेरी बहन शर्मिंदा है। ऐ गाजी अब्बास, जिस चहेती बच्ची को तुम प्यार करते थे उस बच्ची सकीना कैद के जिंदान में। ऐ भैया अब्बास, तड़प कर मर गई ये बहन ज़ैनब तेरी बहुत शर्मिंदा है। ऐ गाजी मेरी फरियाद सुन लो, अरे नहीं वो जा पाएगी मदीना, अरे नहीं वो जा पाएगी मदीना, है आज भी कैद में सकीना, आज भी कैद में सकीना, अरे वो शाम के कैद में ही घुट घुट के मर गई अब तुम्हारी बाची। ऐ मेरे गाजी, ज़ैनब तेरी बहन शर्मिंदा है, हला पे फरमान की ये नोहा, करा दो दीदार करबला का, हला पे फरमान की ये नोहा, करा दो दीदार करबला का, तुम्हें सकीना का वास्ता है। ए मेरे गाजी, ए मेरे गाजी अब्बास, ए मेरे बावफा, या हुसैन।
السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك بابك السلام عليك وعلى أمك واخي السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين السلام عليك يا أبو الفضل عباس بن علي وسكينة بنت الحسين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس يا أيها المدفون بعرض طوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان ألمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام السب الجان عجل الله دعلى فرجك وسحل الله دعلى مخرجك وزحورك وجعلنا من أبونك وأنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.